यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर आए दिन बवाल मचते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नौकरियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले भी सुर्खियों पर आ गए हैं। इस संबंध में बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय और पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाने साधा है। 25 जून को 1975 के आपातकाल की याद में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा, 1975 में लगाया गया आपातकाल निश्चित रूप से गलत था। लोकतंत्र में हम स्वतंत्र और स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। संघ ने समय समय पर आपातकाल का विरोध किया है और संघ ने संघर्ष भी किया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक बार फिर झमाझम बारिश के साथ बादल बरसने वाले हैं। मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, सागर समेत प्रदेश के 20 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यह ऐतिहासिक पल के रूप में तब्दील हो जाएगा। बता दें कि 46 साल के बाद आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला जाएगा। उड़ीसा सरकार इस भंडार को खोलेगी ताकि आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की लिस्ट बताई जा सके। बता दें कि इससे पहले रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई जिसमें वह घायल हो गए। बता दें कि ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बल्चर में चुनावी रैली कर रहे थे, तब उन पर यह हमला हुआ। हमले के बाद सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने एक किफायती ट्रेन टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज में आपको पूरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या घूमने का मौका मिलेगा। पैकेज के शुरुआती किराया मात्र 17,200 है। आइए जानते हैं कि इस टूर पैकेज की शुरुआत कब से हो रही है और सफर के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। इंदौर में सूर्योदय के साथ ही रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू हो गया। सूर्योदय होते ही शंखनाद के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्प मित्र भार्गव ने पौधे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पौधे लगाए। शिप्रा नदी में गंदगी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को स्वच्छ शुद्ध करने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह तक कहा है कि मां शिप्रा को अविरन बहने वाली स्वच्छ नदी बनाना मेरा सपना है, किंतु मुख्यमंत्री के इस सपने को देवास जिले में पलीता लग रहा है। हरियाणा के पंचकुल साइबर थाना पुलिस ने 9,68,00,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस गैंग के द्वारा ठगे गए पैसे इंडिया से बाहर विदेश भेजे जाते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया है। इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब अपने नाम कर लिया। बता दें कि इस मैच में पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनिस खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए और भारत को लक्ष्य दिया। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह की जीत पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 में भाग लेने वाले 13 लाख से अधिक स्टूडेंट को अब अपने रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है ताकि वे आगे ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आंसर की जारी होने के बाद अब जल्द ही रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है।